हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, आज के इस क्लास में लेसन नंबर 15 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 15 है जैसे को तैसा, मतलब इस टॉपिक के नेम में ही आपको मीनिंग समझ में आता है कि किस तरह जो जैसे को तैसा, एकाध मित्र अगर अच्छा होता है तो एकाध मित्र बुरा होता है, मतलब वो बुरा नहीं होता या फिर वक्त आने पर वो काम नहीं आता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग दो मित्र की कथा देखने वाले हैं, यानी कि जो दो मित्र है वह एक दूसरे के साथ अच्छा रहते हुए भी एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाते। तो इस लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये लेसन नंबर 15 है जैसे को तैसा, आपके पेज नंबर 92 पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन दृश्य दिए गए हैं, एक है पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि तीन दृश्यों में अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले है सेठ छगनलाल की हवेली। देखो, दृश्य पहला में है सेठ छगनलाल की हवेली, वे अपनी बैठक में बैठे है, यानी कि जो दोनों मित्र है, एक है छगनलाल और दूसरा है मगनलाल, तो वे अपने बैठक में बैठे है। कौन? सेठ छगनलाल। तो बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जो बाहर से उनके, जैसे ही वो अपने बैठक में बैठे रहते हैं तो उनको बाहर से कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। छगनलाल कौन है, यानी कि उन्होंने जब उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने पूछा कि कौन है। मगनलाल बोला, मैं हूँ मगनलाल, तुम्हारा मित्र। एक छगनलाल और दूसरा मगनलाल। तो छगनलाल है, आओ मगनलाल आओ, मित्र यह तो तुम्हारा अपना ही घर है। और उसने क्या कहा कि आओ मगनलाल, यह तो तुम्हारा अपना ही घर है। छगनलाल ने मगनलाल को बुलाया कि तुम्हारा यह अपना ही घर है, इसे तुम अपना घर समझ सकते हो, तुम्हें परायों की तरह दरवाज़ा खटखटाने की क्या ज़रूरत थी, और तुम्हें पराए आदमी की तरह इस दरवाजे को खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा छगनलाल ने मगनलाल को कहा। उसके बाद में देखो, मगनलाल बैठ जाता है और मगनलाल जो है वो उसके मित्र के घर आकर बैठ जाता है। छगनलाल बोला, और सुनाओ कैसे हो, सब ठीक चल रहा है ना? छगनलाल ने क्या कहा, और सुनाओ कैसे हो, सब ठीक चल रहा है? हाँ, देखो भी उसके सामने मगनलाल बोला, मित्र हाल तो बुरा है, बुरा ही है। और मगनलाल ने बोला कि हाल तो बुरा ही है, व्यापार में दिन ब दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है, और व्यापार में दिन ब दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है, बैंकों से लिए गए कर्ज को लौटाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, ऐसे मगनलाल ने कहा जो उसके घर पे आया था। तो बैंकों से जो कर्ज लिया था उसको लौटाने में कोई भी उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है, या फिर उसको देने के लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। देन छगनलाल जो है, मगन भाई तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या किसी प्रकार मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? देखो, उसने कितने अच्छे से पूछा कि मगन भाई तुम्हारी यह दशा देखकर, तुम्हारी यह चिंता देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्या किसी प्रकार मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या, ऐसे उसने पूछा। देन उसके बाद में मगनलाल जो है, हाँ मित्र मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, हाँ मित्र मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ, ऐसा मगनलाल कहते हुए बोला। तो मैंने तय किया है कि अपना सारा सामान जमीन जायदाद बेचकर पूरा कर्ज चुका दूंगा, और मैंने ऐसे तय किया है, मतलब कि अगर मेरे हिसाब से कोई जो कर्ज है वो नहीं चुका तो अपना सारा सामान और ज़मीन जायदाद बेचकर पूरा कर्ज चुका दूंगा, ऐसा उसकी इच्छा है। मतलब मैं किसी अन्य शहर में अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इस गांव शहर को छोड़कर
किसी नए और अन्य शहर में जाकर अपना इस कारोबार शुरू कर सक करना चाहता हूँ। देखो, सभी लोगों से मैंने बात कर ली है, कल सब आकर सामान उठाकर ले जाएंगे। और कल मैंने सभी लोगों से बात कर ली है, वह आकर इस सामान को उठा ले जाएंगे। देन बस लोहे का एक भारी खंभा बचा है, उसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। और जो लोहे का एक भारी खंभा है उसे वही बच गया है, उसको लेने के लिए कोई भी बाकी नहीं रहा है। तो उसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मित्र, क्या मेरे लौटने तक तुम उसे अपने प्यार रखोगे? देखो, उसने कितने अच्छे से बोला कि क्या मेरे लौटने तक तुम इस लोहे के खंभे को अपने पास रखोगे? वह खंभा मेरे पुरखों की निशानी है, और जो खंभा लोहे का है वह मेरे पुरखों की यानी कि देखो ये पूर्वजों यानी कि हमारे जो माता पिता होते हैं उनके माता पिता, तो यह पूर्वजों की निशानी है जो मेरे पास है, वह उसको अच्छे तरह से संभाल कर रख सकते हो। तो इसीलिए वह पूछ रहा है कि क्या इस लोहे के खंभे को मैं तुम्हारे पास रख सकता हूँ। तो सगनलाल बोला, बस इतनी सी बात, भला इसमें क्या है? तो उसने क्या बोला, बस इतनी सी बात, भला इसमें क्या है मित्र, और किस दिन के लिए काम होते हैं? देखो, उसने कितने अच्छे से बोला कि भला इसमें पूछने की क्या बात है कि जो मित्र है वह किस दिन के लिए काम आते हैं। तुम तरीक भी चिंता मत करो, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसे कहा। तुम्हारे पुरखों की निशानी मेरे घर में उतनी ही सुरक्षित रहेगी जितनी तुम्हारे घर में, और जो तुम्हारे पुरखों की जो निशानी है, पूर्वजों की निशानी है, जो इतने मेहनत से तुम लोगों ने संभाल कर रखी है, वह मैं भी अपने घर पे सुरक्षित रख सकता हूँ। तो जितनी तुम्हारे घर में रहती है, जब तुम आकर मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। और जब तुम यह चीज़ मुझे मांगो, यह खंभा लोहे का मुझे मांगोगे, तब मैं तुम्हें यह वापस कर दूँगी। तो मगनलाल बोला, धन्यवाद मेरे मित्र, तुमने मुझे एकदम चिंता मुक्त कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकूँगा। और यह तुम एकदम चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारी चीज़ मेरे साथ रखता हूँ उसकी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तो चिंता मुक्त होके जा सकते हो। देन अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकूँगा। छगनलाल बोला, मित्र इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आखिर मित्र ही तो मित्र के काम आता है। और छगनलाल बोलते हुए कहा कि तो आखिर मित्र ही तो मित्र के काम आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपके फ्रेंड्स आपके काम आते हैं, या फिर आपको कोई मदद चाहिए हो तो आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसी तरह जो दोनों मित्र हैं, छगनलाल और मगनलाल, एक दूसरे की जो छगनलाल है वह अपने मित्र की मदद कर रहा है। तो मगनलाल बोला, छगन भाई खंभा बाहर ही है। तो छगन भाई, जैसे कि खंभा मैंने अपने साथ लाया है और वह बाहर ही है, बहुत भारी है, अपने नौकर से कहकर उसे अंदर रखवा लो। और जो खंभा है वह बहुत ही ज़्यादा भारी है, उसे अंदर रखने के लिए अपने नौकर से कहकर तुम रख लो, ऐसा वह कह रहा है। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही लौटूंगा, और मुझे आशा है कि मैं बहुत ही जल्दी लौटूंगा, ऐसे उसने अपने मित्र से कहा। अच्छा अब मैं चलता हूँ ऐसे उसने कहा। देन अभी देखो, ये पहला दृश्य जो है वह यहाँ तक ही है, उसके बाद में ये जो सेकेंड दृश्य यानी कि दूसरा दृश्य, तो मगनलाल चला जाता है और वही अपनी चीज़ लोहे का खंभा, अपनी कीमती पूर्वजों की चीज़ है, वह अपने मित्रों के पास छोड़कर चला जाता है। 3 वर्षों तक मगनलाल ने कई शहरों की यात्रा की। देखो, जो 3 वर्षों तक मगनलाल है उन्होंने कई सारे शहरों की यात्रा
कि और जगह जगह जाकर व्यापार भी किया। अपने उसने जो अपना व्यापार है या फिर उसने जो भी चीज़ें वहाँ पर की है तो जाकर अपना व्यापार हर शहरों में किया है। इस बार भाग्य की देवी उस पर प्रसन्न हुई और बहुत सा धन कमाया। देखो इस बार जो भाग्य की देवी है वह उस पर प्रसन्न हो गई और उसने बहुत सा धन कमाया है। तो वह अपने शहर वापस आया, एक नया मकान खरीदा और वह अन्य शहरों से अपने अपने इस नए अलोक यानी कि मकान में एक नया मकान खरीदा और पहले से भी अधिक ठाट से व्यापार करने लगा। और जब वह शहरों से वापस लौट कर आया तो यही सब उसने अपने लिए एक नया मकान खरीदा और सबसे पहले से भी वह अधिक ठाट से रहने लगा। तो ठाट से यानी कि अच्छे सुख से रहने लगा, जैसे कि जो भी वह व्यापार कर रहा था वह उसका व्यापार उसमें बहुत सारा धन कमाया गया था और बहुत सारे पैसे भी कमाए गए थे। तो वह एक बार फिर अपने मित्र छगनलाल का दरवाज़ा खटखटाता है और वह एक बार फिर अपने मित्र का तीन वर्ष के बाद वह अपने मित्र के पास वापस लौट जाता है कि छगनलाल, जैसे कि मगनलाल तुम बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसे ही वो अपने मित्र से मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कहाँ रहे इतने दिन वह अपने मित्रों को पूछ रहा है क्या क्या किया इस दौरान, व्यापार कैसा रहा और जो भी चीज़ें जैसे कि उस बाकी इन तीनों वर्ष में तुमने क्या क्या किया, किस का व्यापार किया, यह सब अपने मित्र से वह पूछ रहा है। तो मगनलाल बोला मुस्कुराते हुए, मतलब कि वह थोड़ा सा अपने जीवन में सुखी हो गया था तो इसके लिए वह मुस्कुराते हुए बोला कि ईश्वर की क्या दया और आप जैसे मित्रों को शुभकामनाओं से व्यापार बहुत अच्छा रहा। देखो मुस्कुराते हुए वह कहा कि ईश्वर की दया और आप जैसे मित्रों की शुभकामनाएं, आप जैसे मित्रों की शुभकामनाएं मेरे साथ है और ईश्वर की जो दया है उससे मेरा व्यापार जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं काफ़ी धन लेकर लौटा हूँ और इसके वजह से मैं अच्छा खासा मैंने कमा भी लिया है और मेरे साथ धन भी थोड़ा सा लेकर लौटा हूँ और अब मैंने अपना पुराना व्यापार फिर से शुरू किया है और अब मैंने पुराना व्यापार छोड़ दिया था वह फिर से शुरू कर दिया है। छगनलाल बोला यह तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई और यह तो तुमने बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया खबर सुनाकर। मगनलाल बोला अच्छा छगन भाई, मैं अपना लोहे का खंभा लेने आया हूँ और वह जो चीज़ उसने वहाँ पर रखी थी उसके पास तो वही चीज़ वह लेने के लिए उसके मित्र के पास आया था। तो अच्छा छगन भाई, मैं अपना लोहे का खंभा लेने आया हूँ जो मैं यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास रख गया था। तो यही चीज़ों को उसने अपने मित्र के पास सुरक्षित रखने के लिए रखा गया था। तो वह फिर से लौटने के लिए आ गया, मतलब कि जो मैं यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास रखा गया था वह मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। तो छगनलाल बोला खम्बा क्या कहूँ मगनलाल, मैं तुम्हारा खम्बा तहखाने में रखवा दिया था। देखो उसने कैसे बोला कि खम्बा क्या कहूँ मगनलाल, मैं तुम्हारा खम्बा तहखाने में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। जो तुमने मेरे पास लोहे का खम्बा रखा था वह मैं तहखाने में रखा गया था। तो यह तहखाना यानी कि ज़मीन, तो तहखाने में रखवा दिया था। तो अभी पिछले दिन नौकर ने बताया कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ दिनों में उनके जो भी नौकर थे उन्होंने बताया कि कुछ भी बचा नहीं है, जो लोहे का खंभा था वह अभी कुछ भी बचा नहीं, चूहों ने पूरा खंभा खा लिया था और जो चूहे हैं उन्होंने बहुत सा खंभा खा लिया था।
था, ऐसा उसने अपने मित्र से कहा। दुर्भाग्य से वैसा खंभा बाजार में कहीं नहीं मिला, और मेरा दुर्भाग्य से यही खंभा जो बाजार में कहीं भी नहीं मिला, वरना मैं तुम्हें खरीद कर दे देता। और यही खंभा अगर बाजार में मिलता तो मैं ही तुम्हें खरीद कर दे देता था। देन मगनलाल बोला, आश्चर्यचकित होकर, क्या कह रहे हो, इतना भारी लोहे का खंभा चूहे खा गए। देखो क्या कह रहे हो, इतना भारी खंभा जो है वह चूहे कैसे खा गए। वह आश्चर्यचकित होकर उसे बोलने लगा। देन छगनलाल बोला, मैं स्वयं बहुत लज्जित हूँ, और मैं स्वयं भी बहुत ही लज्जित हूँ कि मैंने तुम्हारे खंभे की ठीक से देखभाल नहीं की। मैं स्वयं बहुत ही लज्जित हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि खंभे की मैं आप तुम्हारे जो पूर्वजों की निशानी है मेरे पास, उसकी मैं देखभाल नहीं कर सका। देन उसके बाद मगनलाल का वाक्य कुछ सोचते हुए, जाने दो मित्र, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। चूहे मेरा खंभा खा गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष, और चूहे अगर इस खंभे को खा गए हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है, और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा टिकी हुई रहती है, ऐसा उसने कहा मगनलाल ने छगनलाल को। तो उसके बाद छगनलाल प्रसन्नतापूर्वक, तुम बहुत भले हो, तो उसने क्या कहा मगनलाल से कि तुम बहुत ही अच्छे हो, इंसान हो। मगनलाल बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, हाँ याद आया। देखो अच्छा अब मैं चलता हूँ कि हाँ याद आया, मैंने यात्रा में तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा था, मेरे साथ ज़रा अपने बेटे को भेज दो, मैं वह उपहार उसके साथ भेज दूँगा। देखो वह क्या कर रहा अपने मित्र को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया था, तो उसको उपहार लाया था तो उसको मैं मेरे साथ नहीं लाया हूँ, इसीलिए तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं वह उपहार उसके साथ भेज दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। कौन? मगनलाल। तो देखो अभी यह जो कहानी है वह थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अच्छी है। छगनलाल बोला, ऊंचे स्वर में, पंकज पंकज। देखो उसके बेटे का नाम क्या था? पंकज। जरा इधर आना, देखो ये तुम्हारे लिए चाचा जी है, जरा इधर तो आना, ये तुम्हारे लिए चाचा जी है, इन्हें प्रणाम करो। तुम इनके साथ जाकर मेरा उपहार ले आओ, और तुम इनके साथ जाकर मेरा थोड़ा सा उपहार लेके आओ, ऐसा उसने अपने बेटे को कहा और उसके साथ भेज दिया। पंकज, अच्छा पिताजी। मगनलाल पंकज को लेकर घर पहुंचा और उसे तय खाने में छिपा दिया। देखो जो मगनलाल है वह उसको लेकर अपने घर चला गया, और तहखाने में जो तहखाना रहता है, जो रूम रहती है, वहाँ पर हम लोग अपनी सामान रखते हैं, गया हुआ सामान या फिर स्टोर रूम होती है, तो बाहर से ताला भी लगा दिया और उसको पंकज को उस रूम में बंद कर दिया गया था और बाहर से ताला लगा दिया। शाम तक जब पंकज घर नहीं लौटा तो उसके पिता मगनलाल के घर आए, और जब शाम हो गई उसका बेटा उसके घर पर नहीं लौटा तो वह अपने मित्र के पास मगनलाल के घर जा पहुंचा। छगनलाल चिंतित स्वर में, मगनलाल पंकज उपहार लेकर अब तक घर नहीं पहुंचा है। जो पंकज है वह उपहार लेकर अब तक घर नहीं पहुंचा है, मैं सोचता रहा कहीं रास्ते में खेलने लगा होगा और कहीं रास्ते में खेलने लगा होगा मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जो रास्ता है वहाँ पर खेलने तो नहीं लगा, पर वह रास्ते में भी कहीं नहीं दिखा, और रास्ते में वह कभी कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मगनलाल दुखी स्वर में, मित्र मैं कौन से मुँह से कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं कौन से मुँह से तुम्हें कहूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। छगनलाल बोला, पर क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। मगनलाल बोला, क्या बताऊँ मित्र, जब हम दोनों मेरे घर की ओर जा रहे थे तो अचानक एक बहुत बड़ा
बाज पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे आया। देखो जो बाज पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे आया और एक ही झटके में पंकज को उठाकर ले भागा। जो बाज पंख है एक पक्षी उसको उठाकर ले भागा है ऐसा वह कह रहा था कि पंकज को उसने उठा लिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। देखो छगन लाल जो है अविश्वास भरे स्वर में क्यों मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, एक 12 वर्ष का बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है। देखो एक 12 वर्ष के बालक को बाज कैसे उठाकर ले सकता है, ऐसे उसको समझ में आ गया कि वह तो झूठ बोल रहा है या फिर कोई मजाक कर रहा है। तो मगनलाल अब मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखो मगनलाल क्या बोला, अब मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। छगनलाल क्रोधित होकर, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ तुम्हें तुरंत मेरे बेटे को लाओ, और तुम झूठ बोल रहे हो और तुमने ही मेरे बेटे को कुछ तो भी किया है, ऐसे उसके समझ में आ गया, तो तुरंत मेरे बेटे को ले आओ, ऐसा वह चिड़चिड़ाता हुआ और दुख भरे स्वर में बोल रहा था अपने मित्र को। तो मगनलाल बोला, मुझे अफसोस है पर मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ला सकता, और मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ला सकता। छगनलाल बोला, मैं तुम्हें घसीट कर न्यायालय ले जाऊंगा। और जो छगनलाल है वह बोला कि अगर तुम मेरे बेटे को वापस नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें लेकर घसीट कर वह न्यायालय ले जाऊंगा, ऐसा वह कह रहा था। तो मगनलाल, ठीक है न्यायाधीश को ही इसका फैसला करने दो, और न्यायाधीश को ही उसका फैसला करने दो, यह फैसला उन्हीं पर छोड़ दो, ऐसा वह कह रहा था। अब देखो दूसरा दृश्य यानी कि तीसरा भाग है। अभी एक दो भाग हो गए, यानी कि पहले इसमें क्या हुआ कि जो खंभा है लोहे से बना हुआ था वह मगनलाल ने छगनलाल के यहाँ पर छोड़ दिया था कि जब मैं वापस लौट आऊँगा तो यही खंभा तुम मुझे वापस दे देना। और दूसरे दृश्य में क्या हुआ कि जो मगनलाल है उसको उसके बेटे को वह अपने तहखाने में छिपा कर रख देता है। ये दोनों भी दृश्य थोड़े से अलग अलग है। अभी तीसरा दृश्य, न्यायालय में दोनों मित्र न्यायाधीश के सामने खड़े है। छगनलाल, श्रीमान जी यह मेरा पुराना मित्र है। देखो श्रीमान जी यह मेरा पुराना मित्र है, यह मेरे 12 वर्ष के पुत्रों को अपने साथ ले गया, और यह मेरे 12 वर्ष के पुत्रों को मेरे अपने साथ ले गया और अब उसे लौटाने से मना करता है, और वह अब ले उसे लौटाने से मना कर रहा है। न्यायाधीश बोले मगनलाल से, क्या यह सच है? मगनलाल बोला, श्रीमान जी मैं क्या कहूँ, एक बात झपटा और इनके पुत्रों को उठाकर दूर आसमान में उड़ गया। देखो एक बाज जो है वह झपटा और इनके पुत्र को उठाकर दूर आसमान में उड़ गया है। अब आप ही बताइए मैं इनका पुत्र कहाँ से लाऊं? तो अब आप ही बताइए कि मैं इनके पुत्रों को बाज उठाकर ले गया है तो मैं इनका पुत्र कहाँ से लाऊं? न्यायाधीश बोले, कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो, एक 12 वर्ष के बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? कैसे मूर्खता भरी बात कर रहे हो कि जैसे 12 वर्ष के बालक को एक बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? तो मगनलाल, क्यों नहीं श्रीमान, यदि चूहे लोहे का भारी खंभा खा सकते हैं तो बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकते? ये बात तो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बोली है उसने कि एक छोटा सा चूहा जो होता है वह एक भारी खंभे को लोहे के खा जाता है तो एक 12 वर्ष के बालक को क्यों नहीं उठा सकता? न्यायाधीश आश्चर्य से देखता रहा और वही उनके मगनलाल की बातें सुनकर न्यायाधीश चुप हो जाता है। न्यायाधीश क्या कर रहे हो, पूरी बात खुलकर बताओ। और जो न्यायाधीश है उसे वह बोल रहा है कि तुम अपनी जो बात है वह खुलकर बताओ। मगनलाल बोले, श्रीमान जी मैं व्यापार करने दूसरे शहर गया, और जो
मैं व्यापार करने दूसरे शहर गया तो अपना लोहे का जो खम्बा, लोहे का एक भारी खम्बा छगनलाल के घर रख गया था, और जो मेरा खम्बा है वह मैंने छगनलाल के घर पे छोड़ दिया था। 3 वर्ष बाद वापस आने पर जब मैंने अपना खम्बा मांगा तो इन्होंने बताया कि पूरा खम्बा चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसा कर सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा कर ले जा सकता। देखो, जब इतना बड़ा लोहे का खम्बा चूहे खा जा सकते हैं तो एक बाज छोटे बच्चे को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकते, ऐसा उसने कहा। न्यायाधीश बोले छगनलाल से, तुरंत मगनलाल का खम्बा वापस करो, तुम्हें अपना पुत्र मिल जाएगा। और जो न्यायाधीश है वह छगनलाल को बोले कि तुरंत तुम मगनलाल का जो लोहे का खम्बा है वह वापस कर दो, तुम्हें अपना जो पुत्र है वह वापस मिल जाएगा। छगनलाल लज्जित होकर, मुझे क्षमा करे श्रीमान न्यायाधीश, जाओ। छगनलाल ने न्यायाधीश को क्षमा मांगी, यानी कि माफ़ी मांगी, तो जाकर खम्बा लाओ और मगनलाल आप भी इनके पुत्र को ले आए। देखो, न्यायाधीश ने दोनों की भी बात सुनी और दोनों की भी वस्तुएं मांग दी, जैसे कि जाओ जाकर खम्बा लाओ, और मगनलाल को भी कहा कि जाओ उसके पुत्र को तुम वापस ले आओ। दोनों कुछ ही देर में लौट आते हैं और दोनों भी मित्र जो है वह कुछ ही देर में वापस लौट आते हैं। न्यायाधीश छगनलाल से, खम्बा दे दो और अपना पुत्र ले लो। देखो, न्यायाधीश बोला छगनलाल से कि खम्बा दे दो और अपना पुत्र ले जाओ। मगनलाल की ओर मुड़कर, ठीक है, अब मामला सुलझ गया, आप दोनों जा सकते हो। और जब दोनों ने एक दूसरे की जो चीज़ है वह वापस कर दी, जैसे कि छगनलाल ने मगनलाल को अपना लोहे का खम्बा दे दिया और मगनलाल ने उसने अपने पुत्र को वापस दे दिया, तो यही दोनों की चीज़ अपने अपने पास आ गई और यही मामला जो है वह वहीं पर सुलझ गया और दोनों भी घर गए। देखो, तो इस लेसन में से हम लोगों को क्या मिला सीखने के लिए, कि जो एकाद व्यक्ति अगर कोई चीज़ अच्छी होती है और उसको अपने ही भीतर रखते हैं तो यही हमारे लिए गलत बात है। जो जैसा व्यक्ति होता है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए तो सही वक्त आने पर वह काम आ जाता है ना। तो इस लेसन में से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है ना। तो इस लेसन को फिर से आपको एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि सबको लेसन समझ में आ गया हो। ओके स्टूडेंट, तो लेसन फिर से एक बार पढ़ो, ठीक है। ओके, थैंक यू।